गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 और यहाँ पे सब सो रहे हैं, तो मैंने सोचा व्लॉग ही कर ले रहा हूँ, ज़्यादा शोर भी नहीं हो रहा तो व्लॉग करते हैं। पर उससे पहले मेरे को नहा के आना है, मैं नहा के आता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ओके सो गाइस अभी हम चल रहे हैं दुकान पे, नहा के आ गया हूँ मैं दुकान जाने क्योंकि शैम्पू लेके आने खत्म हो गए हैं, तो शैम्पू लेके आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी दुकान से आ गए हैं, अब पहले मैं खाना खाऊंगा फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस अब हम आ गए छत पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं छत पे हूँ और ऊपर बादल हो रहे हैं थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं है, मतलब अच्छा मौसम हो रहा है एकदम, ज़्यादा गर्मी भी नहीं आज तो, और गली बिल्कुल शांत पड़ी है, बिल्कुल शांत, एक बंदा तक नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल शांत पड़ी है। अरे हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे हैं इधर, फ्लावर्स आ रहे हैं जिनपे, और कईयों पे तो अभी नहीं आ रहे। ये देख सकते हैं ये कैसा फ्लावर है, अजीब सा। इस फ्लावर का नाम है हेमा मालिनी और इस फ्लावर का नाम है गुलशन। ठीक है, हम नामकरण कर रहे हैं इनका। इस पेड़ का नाम रखते हैं हम अहमदाबादी। वहां पे देखिए वो बल्ब पे कबूतर बैठ गया, क्या दिन आ गए हैं कबूतरों के, बल्ब पे बैठना पड़ रहा है उन्हें। पहले उनका पेड़ पे खुद का घर हुआ करता था, आजकल बल्ब पे अपना काम चला रहे हैं। हमारा ये मंदिर, प्यारा सा मंदिर। और गाइस आप देख सकते हैं ये वाला जो फ्लावर है, ये वाला ये सूख रहा है, और ऐसी एक ये है। तो मेरा नाम है आपको पता है जो कि सलमान खान, और नीचे शाहरुख खान भी है और करीना कपूर सब नीचे बैठे हैं, और अमिताभ बच्चन सर भी है नीचे, और हेमा मालिनी जी भी है नीचे, सब नीचे हैं, सारे सुपरस्टार यहीं भरे हैं हमारे घर में। और यहाँ पे कबूतर लड़ते रहते पता नहीं क्यों, और इतने पंख फैला देते हैं इधर उधर, और यहाँ पे छत पे भीट कर जाते हैं कबूतर, बड़े गंदे हो रहे हैं। क्योंकि गाइस नासा वाले बहुत खतरनाक लोग हैं। फिर से हम अपने कमरे पे आते हुए जहाँ पे गर्मी का कोई ठिकाना नहीं रहता, पर पीछे हवा आती है और जिससे गाना बजता है, हवा आई आई आई, हवा आई आई आई, हवा आई है एक्सप्रेस, और यहाँ से अलग ही व्यू आता है। फिलहाल हम वापस बाहर चलते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इट्स नॉट अ राइट साइड, इट्स अ राइट साइड। तो वहां पे वो देख सकते हैं, ये मैं जूम करता हूँ जो आप देख रहे होंगे, इसमें पता है कबूतर है इसके अंदर, वहां पे कोई रहता है तो उनने अपना नाम रख रखा है कबूतरबाज, इसलिए उनके उसमें कबूतर रहते हैं और कबूतर पालते हैं, तो इसलिए देखो यहाँ पे अभी दो कबूतर लड़ रहे थे, सारे पंख यहीं गिरा गए। ऐसे ही करते हैं चोमू लोग हैं, तो ऐसे ही करेंगे, ये रहा चोमू स्नान, चोमू लोग हैं, पंख गिराते हुए फिरते रहे हैं, सफाई करने एक नहीं आता, हाँ गंदा करने आ जाते हैं। और यहाँ गली में फिलहाल कोई बच्चा आ रखा है, एक ही बच्चा पूरी गली में, और बाकी ये है हमारी भूरी जिसको तो आपने देखा ही होगा, देख सकते हैं आप, बस भूरी है इधर और एक छोटा सा बच्चा है, बाकी कोई नहीं है। पर क्यों आज क्यों नहीं है कोई बच्चे, और देख सकते हैं हमारे पिंक फ्लावर भी ज़्यादा खिल रहे हैं, अब ज़्यादा हो रहे हैं, और थोड़ा पानी देते हैं। थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर भी देना चाहिए हमें पानी, ये मत समझ लेना इसमें कोनील है, इसमें वो नहीं है, उसकी खत्म हो गई थी इसलिए हमने इसमें पानी डाल दिया था। किडनी जलेगी इससे इनकी पौधों की, देख सकते हैं आप हम सब पे बराबर कर रहे हैं।
कहीं पे ये नहीं है कि इस पे कम इस पे ज्यादा हो गया, क्योंकि गाइस नासा वाले बहुत खतरनाक लोग हैं। गाइस ये क्रिकेट हिल रहा है, अरे मैया तो बिल आते हो, भाग गए, हमको डरा देते हैं यार आजकल के लोग। गाइस मेरे को तो ये लगता है नासा से ज्यादा छिपकली वाले लोग खतरनाक हैं। सही में देखते हैं आप, धीरे धीरे बच्चे आते जा रहे हैं, यानी कि गली में भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और मैंने देखा है मतलब कोरोना थोड़ा कम क्या हो गया, कोई भी मास्क नहीं लगाता इनमें, कोई भी बिल्कुल बिना मास्क घूमते हैं फिरते हैं आराम से। कोई मास्क ये भी नहीं कि जेब में हो, जेब में तक नहीं, घर पे सीधा घर पे रखा है मास्क और बाहर घूम रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए गाइस, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। उसे खत्म करने के लिए हमें मास्क लगा के रखना होगा और खुद को मेंटेन रखना होगा, मतलब सैनिटाइज वैनिटाइज सब रखना होगा, वरना कोरोना फिर और ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी तो वो बस मेंटेन है, मतलब कम है मतलब, और मास्क ये ऐसे हटा के घूम रहे हैं ऐसे बढ़ सकता है वो तो, और बढ़े उससे पहले सब सुधर जाओ, मास्क लगा के घूमो। और जो मास्क लगा के घूमते हैं वही होते हैं अच्छे लोग, बाकी पता नहीं क्या ऐसे सोचते ना वो, तो जैसे हमको कुछ होने वाला नहीं, हम तकदीर में लिखवा के आए हैं, हम अमर हैं। हाँ पता नहीं क्या इंसान है, चोमू लोग होते हैं ऐसे जो सोचते हैं कि मास्क नहीं लगाएंगे अब कभी, अब आराम से घूमना है पूरी जिंदगी। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं जब भी बाहर जाता हूँ मास्क लगा के जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ना जब से वो कोरोना आया था तब से मैंने मास्क लगा, पहले मेरे को अच्छा ही लगता था, फिर मैंने आदत डाली और मेरे को मास्क लगाना सही लगता है, और अब मैं मास्क पहन के ही बाहर जाता हूँ। पर कोई अब बाहर मास्क ही नहीं पहनता, पहनना चाहिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ कोरोना, अभी कम हुआ है बस वो। फिलहाल यहीं पे निकला है, पीछे कोई है। फिलहाल ये बेचारे कबूतर जिसका घर नहीं है, ना आता ना पता, बेचारा यहाँ बैठा है गुमशुदा कबूतर। तो गाइस अभी बज रहे हैं 6:30, मतलब 7 बजने वाले लगभग, 7:15 हो गए। तो इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।